तो बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सामने निकल के आ रही है। मुकेश सहनी और एनडीए के बीच का जो फासला है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सहनी को लोकसभा की 3 सीटें मिलेंगी। एनडीए के संपर्क में आए मुकेश सहनी चिराग पासवान का पैंतरा काम आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। बता दें कि वीआईपी के प्रमुख और सोनप मलाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी को 3 लोकसभा की सीटें मिलने वाली है, ऐसी खबरें चलाई जा रही है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ रहने का और चिराग पासवान का पैंतरा शायद अब मुकेश सहनी के काम आने वाला है, क्योंकि एनडीए के संपर्क में धीरे धीरे आने की खबरें मुकेश सहनी की आ रही है। आपको बता दें कि एक स्पेशल रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि अगर मुकेश सहनी की वापसी एनडीए में होती है तो उन्हें 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। हालांकि एनडीए की तरफ से कहा गया था कि मुकेश सहनी के लिए 1 सीट रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि 39 सीट अभी तक भले ही बंटवारा न हुआ हो, लेकिन सीट शेयरिंग की जहां तक बात आती है तो बीजेपी की ओर से पहले कहा गया था कि 39 सीटें लगभग कंफर्म हो चुकी है, 1 सीट सिर्फ मुकेश सहनी के लिए रिजर्व करके रखी गई है कि अगर मुकेश सहनी की वापसी एनडीए में होती है तो उनको ये 1 सीट दी जा सकती है। लेकिन अब की बार जो खबर आ रही है कि इसमें बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी को 3 लोकसभा की सीटें मिलने वाली है, जिसमें चिराग पासवान की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान की तरफ से और ना ही मुकेश सहनी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है, लेकिन अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के कहीं ना कहीं बात करने से या फिर उनसे मुलाकात करने के बाद एनडीए का रुख भी थोड़ा सा नरम पड़ा हुआ है और उनका पैतरा धीरे धीरे काम करने लगा है। अगर ऐसा होता है तो मुकेश सहनी के आने के बाद एनडीए का कुनबा और मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं आपको बता दें कि क्या मुकेश सहनी 3 लोकसभा सीटें जो अगर जो बात हो रही है अगर उनको दी जाती है तो क्या मुकेश सहनी मानने वाले हैं, क्योंकि जो खबरें आई थी कि मुकेश सहनी ने 6 लोकसभा सीटों की मांग की है, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि 3 लोकसभा की सीटें एनडीए उनको दे सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुकेश सहनी की तरफ से इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।